वैसे फिल्म शैतान का वो सीन याद है आपको, जब आर माधवन वशीकरण में कर लेता है उस लड़की को? वेल गेस व्हाट, ऐसा ही कुछ हो रहा है सीरियल नथ में, और ये सब हो रहा है एक दिन में। न जाने कब गौरी ने ये हिप्नोटाइज करने की आर्ट या कला को सीख लिया और एक ही दिन में शिव को अपने वश में कर भी लिया, और बेचारी कृष्णा परेशान हो गई। मतलब कोई टाइम भी तो नहीं मिला ना, एक दिन में इतना सब कुछ हो गया, कमाल है। वशीकरण का मतलब अब शिव वही करेगा, वैसा ही करेगा जैसा हम उससे करने के लिए कहेंगे। सीरियल में फिल्म की कहानी को लाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। अब जिन लोगों ने अजय देवगन और आर माधवन की इस शैतान फिल्म देखी होगी, उन्हें एकदम से समझ में आ जाएगा कि फिल्म की पूरी कहानी इस सीरियल में अब दोहराई जा रही है। वशीकरण का मतलब अब शिव वही करेगा, वैसा ही करेगा जैसा हम उससे करने के लिए कहेंगे। देखिए कैसे गौरी ने शिव को अपने वश में कर लिया है। अब एक बात समझ में नहीं आई, ये गौरी ने वशीकरण की पढ़ाई कब कर ली? कल तक तो उसे जीत चाहिए था, लेकिन आज उसने ये वाली विद्या कहां से सीख ली? ठीक है, शायद रातों रात कोई चमत्कार हुआ होगा। गौरी ने वशीकरण कर दिया है शिव के ऊपर, उसको अपने बस में कर लिया है। मतलब जैसा गौरी बोलेगी वैसा ही शिव करेगा, और ये सब कुछ वो बदला लेने के लिए कर रही है मुझसे। तो उसको जान की परवाह भी नहीं है, शिव की बोलती है ऊपर से कूद जाओ, इसको मारो, जो कहती है वो करता है। फिलहाल यहाँ पर एक माँ अपने बेटे की जान की भीख मांग रही है। शिव अब किसी के भी बस में नहीं है, जैसा जैसा गौरी कह रही है शिव एकदम से वैसा ही कर रहा है। हमारे अलावा किसी और की नहीं सुनेगा, किसी की भी नहीं। वहीं जीत भी अपने परिवार वालों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन गौरी अब इतनी कठोर हो गई है कि उसके मन में दया ही नहीं है। मैं भीख मांग रही हूँ कि प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसकी जान जा सकती है, क्योंकि गौरी ने बोला है छत से कूद जाओ, और चाकू उठा के बोला है कि इसको मार दो, तो मुझे मारना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कर रही है, बच्चे को नुकसान पहुँचा रही है। उसे ये भी नहीं लग रहा है कि छोटे से बच्चे की, मासूम बच्चे की जान जा सकती है, सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो ये सब कर रही है। अब गौरी, इस शिव को आप भी तो बहुत प्यार करती थी ना, फिर कहाँ गया आपका ममता वाला प्यार? क्या एक माँ अपने बेटे के प्यार को भुला सकती है? देखिए जरा कृष्णा को अपने बेटे के लिए कैसे गिड़गिड़ा रही है। अभी लगता है 2-3 एपिसोड ये वाला ट्रैक जरूर चलेगा, और देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या इस ट्रैक के खत्म होते होते एक गौरी का भी ट्रैक खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिल्म में तो आर माधवन का ट्रैक खत्म हो गया था। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।